दोस्तों मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे सेफ होंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कवर करेंगे दोस्तों हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत ही जरूरी होते हैं तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए तो तीनों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए उसके बाद बेलकन को प्रेस करके कर क्लिक कीजिए थैंक यू सो मच दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगिन दोस्तों सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ क्या क्यों था क्या रीज़न था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था दोस्तों क्या हुआ था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी तो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म क्या होंगे इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा इसको डिस्कस करने के लिए इंग्लैंड में तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था तो सबसे पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक हुआ था इसमें इंडियन प्रिंसली स्टेट मुस्लिम लीग मुस, हिंदू महासभा सिख पारसी वुमेन लिबरल्स डिप्रेस क्लास जस्टिस पार्टी लैंड लोअ सभी ने अटेंड किया था लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ने फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड नहीं किया था जिसके लिए फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस जा था वो फेल हो गया था क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट चल रहा था तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में अटेंड नहीं किया तो इसलिए ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये फेल हो गया था उसके बाद दोस्तों एक गांधी आयोन पैक्ट हुआ था उस पैक्ट में एक कंडीशन था कि इंटरनेशनल कांग्रेस को सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उस, उसमें अटेंड करना पड़ेगा तो सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था जिसमें इंटरनेशनल कांग्रेस के साथ साथ प्रिंसली स्टेट मुस्लिम लीग हिंदू ग्रुप डिप्रेस क्लास सिख पारसी सब ने अटेंड किया था लेकिन दोस्तों इसमें उतना अच्छा कोई आउटकम नहीं आया था क्योंकि उस टाइम पे जो इंग्लैंड का गवर्नमेंट था वो चेंज हो चुका था लेबर गवर्नमेंट को रिप्लेस किया था नेशनल गवर्नमेंट ने तो सरकार चेंज हो गया था इसके लिए जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उतना अच्छा कोई आउटकम कोई रिजल्ट नहीं निकला उसके बाद दोस्तों थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था नवंबर थर्टी नाइनटीन से लेकर दिसंबर नाइनटीन से इसमें भी दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन का जो डिमांड था वो फुलफिल नहीं हुआ था और कुछ अच्छा आ, इंडियन जो भारत का जो पूर्ण स्वराज का धाबी को नहीं माना गया था इसीलिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था जिसके लिए उतना कुछ आउटकम नहीं आया था तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ उसके बाद एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को फॉर्म किया गया ताकि वो रिकमेंडेशन को एनालाइज कर सके और एक न्यू एक्ट को फॉर्मुलेट कर सके तो इसी तरह दोस्तों तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे तो मैं आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा आश्री इतने दोस्तों गुड बाय चलिए स्वस्थ रहिए